हेलो फ्रेंड्स, गोवन फूड डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सीप करी। गोवा में सीप को तीसरे नाम से जाना जाता है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। मैंने 114 ग्राम ग्रेटेड कोकोनट लिया है। ये ताज़ा कोकोनट है, सूखा हुआ कोकोनट यूज़ ना करें। इसमें मैंने एक स्लाइस प्याज की डाली है। तो अभी मैं इसमें एक टीस्पून गोवन चिली पाउडर डालूंगी। गोवा में उगाए हुए चिलीज हम ग्राइंड करते हैं, वही होता है गोवन चिली पाउडर। अभी मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया, एक इंच जितना इमली, और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते वक्त मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था। अभी मैं इसे इस पेस्ट को एक पतीले में डालूँगी। इस पतीले में अभी जाएंगे साफ़ किए हुए सीप। सीप कैसे साफ़ करते हैं इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर लिया है। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। अभी इसमें हमें क्या डालना है, एक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, एक चौथाई कप किसा हुआ नारियल, दो हरी मिर्च, चार से पांच कोकम। करी में मैंने आधा कप जितना पानी डाल लिया है, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अभी इसे मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ा है, तो बॉयल जब आएगा तभी हमें ऐड करना है कटा हुआ प्याज डालना है, कोकम डालना है, मिर्ची डालनी है और साथ में किसा हुआ नारियल डालना है। फ्रेश कोकोनट ही यूज़ करना, सूखा हुआ कोकोनट यूज़ किया तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अभी इसे बॉयल आ रहा है, बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। तो अभी मैंने इसमें एक चौथाई चम्मच जितना गरम मसाला लिया है और डाला है। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे उबाल आने देंगे। 8 मिनट तक इसे कुक करने छोड़ना है। 8 मिनट हो चुके हैं अभी, तो इसमें मैंने एक चौथाई चम्मच नमक डाला है। और इसमें मैं अभी कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इन्हें मिला लेना है। आप देख सकते हैं करी बहुत ही सुंदर दिख रही है और ये टेस्टी भी होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। सीप के ऐसे ही बहुत सारे डिशेस किए जाते हैं, जैसे कि तिसरेंसो दांगोर, तिसरेंसो मसालो, उसकी भी रेसिपी मैं अपलोड करूंगी जल्दी ही। तिसरेंसो तोणक मैंने गोवन ब्रेड के साथ सर्व किया है, उसे हम पोड़ी कहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।